A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel Grow With Me. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड सेशन के थ्रू. बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमारा सेकेंड सेशन है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. ऑल्सो डू गिव अ वॉच टू द सेशन फॉर सेंटेंसेस इन दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट. एंड दिस पर्टिकुलर चैनल ग्रो विद मी प्रोवाइड्स द बेस्ट एक्सप्लेनेटिव वीडियोज एंड सेशंस. सो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू द चैनल. So let's get started with our content straightforwardly. So our content, आज के जो session का हमारा content रहेगा वो होगा subject and predicate, the main component. ठीक है, तो let's get started. जो first session English grammar में अभी तक post हुआ है वो है sentences का. So you need to actually go through it जिससे कि आपके basics strong हो जाए. So please give a watch. And we know that whenever we see a sentence in English, basically language, we see a sentence with two parts. Okay, हमें जो भी sentence हमें दिखता है, जो भी हम sentence पढ़ते हैं, उसके अंदर ना दो हिस्से होते हैं. दो हिस्सों से वो चीज़, वो sentence, वो particular framing तैयार होती है. The very first thing is name of a person or thing. उस particular sentence के अंदर एक person या thing का बेसिकली जो मेन उसके अंदर काम करता है, जो एक्शन कंप्लीट होता है, जो टास्क कंप्लीट होता है, या जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है सेंटेंस के अंदर, वो एक पर्सन या थिंग के लिए होती है. ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट है एक पर्सन या फिर थिंग. जो दूसरा हिस्सा होता है, द सेकेंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इज बेसिकली दैट थिंग और द इंफॉर्मेशन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. बेसिकली उस इंसान या वस्तु के लिए जो बाकी बची हुई बातें कही गई हैं, जो उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो दूसरा हिस्सा माना जाता है. तो पहला तो वो खुद है, जो भी वो काम करने वाला इंसान है, दैट इज़ बेसिकली द पर्सन और द थिंग, द मेन थिंग दैट इज बींग बेसिकली द टॉक्ड अबाउट. ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा होता है वो उस पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ कि हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड इज, यहाँ पे हमारा एक मेन एलिमेंट है जिसके बारे में सेंटेंस है, दैट इज हम्प्टी डम्प्टी. ठीक है, तो ये पर्सन और थिंग जो बेसिकली मेन हिस्सा है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस, और जो बाकी हिस्सा हम देख रहे हैं सैट ऑन अ वॉल, इज बेसिकली जो हम्प्टी डम्प्टी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिली है. तो सैट ऑन अ वॉल इज समथिंग अबाउट द पर्सन और द थिंग. ठीक है, तो हम दो हिस्सों में सेंटेंस को डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन कि एक सेंटेंस जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के सम, बेसिकली एक सेंटेंस के अंदर आपको एक सब्जेक्ट दिखता है प्लस में एक प्रेडिकेट होता है. तो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, ये हम थोड़ा डिटेल में अब देखते हैं. ठीक है, लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज हियर. तो पहले हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है. सेंटेंस के अंदर दो हिस्सों, एक कोई भी सेंटेंस है वो फ्रेम होता है दो पार्ट्स को कंबाइन करके. द वेरी फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट. सो व्हाट इज अ सब्जेक्ट? ओके, सो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. बेसिकली सब्जेक्ट वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है एक सेंटेंस का, जो कि एक पर्सन या थिंग जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को जब हम एक नेम दे देते हैं तो वो पर्टिकुलर पार्ट उस सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ठीक है, तो हु और वट का क्वेश्चन हम यहाँ पे उठाते हैं कि किसके बारे में बात करी गई है, द मेन एलिमेंट. ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यहाँ पे जो मेन एलिमेंट है वो है अर्थ, जिसके बारे में बताया गया है कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सो द अर्थ इज सब्जेक्ट ओवर हेयर. बेसिकली जो मेन
कैरेक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, हमें पता है गुड मेमोरी है, पर किसके पास है, हु किसके पास है, इट इज़ विद ही। ही ओवर हेयर इज़ अ बॉय और अ मेल, ओके। सो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट होगा, बेसिकली जो सब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर सेंटेंस का, वो है ही। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है द अर्थ, ठीक है, उसके बारे में, जिसके बेसिकली ही के बारे में सारी बातें कही गई हैं, फिर अर्थ के बारे में सारी बातें कही गई हैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। लेट्स मूव टू द प्रेडिकेट पार्ट। सो प्रेडिकेट जो होता है वो हिस्सा होता है एक सेंटेंस का विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें हमें बताता है। इट कंटेन्स अ वर्ब, वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है एक्शन डूइंग वर्ड्स, एक्शन डूइंग वर्ड्स, बेसिकली वो शब्द जिससे ये पता चले कि कौन सा और क्या काम हो करता एक कर रहा है। बेसिकली सब्जेक्ट जो काम करता है, जो वो एक्शन कर रहा है, जो भी वो वर्क डन कर रहा है, जो भी काम पूरा करता है सब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर हिस्सा जो है वर्ब, वो हमारे प्रेडिकेट के पार्ट के अंदर होता है, क्योंकि वो बताता है कि सब्जेक्ट ने किया क्या है, ठीक है। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो हिस्सा एक सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट के अंदर हमारे पास वर्ब इंक्लूडेड होता है, ठीक है। सो व्हाट इज डन बाय द सब्जेक्ट इज नोन एज वर्ब। अगर हम देखते हैं, ही रीड्स अ बुक ओवर हेयर, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, ही रीड्स अ बुक, सो ही इज द मेन कैरेक्टर, इस पूरे सेंटेंस का जो मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है ही। तो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। एंड ही रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक इज समथिंग द सब्जेक्ट इज डूइंग, जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट बुक पढ़ रहा है, तो रीड्स अ बुक इज बेसिकली प्रेडिकेट, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं, मारियाज सिस्टर्स आर गोइंग टू द पूल, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर किसकी बात चल रही है, मारियाज सिस्टर द मेन कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। एंड आर गोइंग टू द पूल, काम क्या कर रहे हैं, द जो मारिया के सिस्टर्स हैं वो पूल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आर गोइंग टू द पूल इज द प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट है मेन एलिमेंट जिसके बारे में बातें चल रही हैं, और प्रेडिकेट वो काम है, वो वर्क डन है जो सब्जेक्ट करता है, ठीक है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि सब्जेक्ट ने एक्चुअली में काम क्या किया है, व्हाट इज द वर्क डन और द एक्शन कंप्लीटेड बाय द सब्जेक्ट, तो इस हिस्से को कहते हैं हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। So let's move on to next slide. The subject usually comes first. हम देखते हैं कि हमारे जो sentences हैं उनके अंदर normally subject जो है starting में ही आता है और फिर predicate आता है, ठीक है। Subject plus predicate हो जाता है, basically subject starting में आ जाता है sentence के और predicate फिर आता है उसके बाद में। ये हम general structure देखते हैं, but कुछ टाइम कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, कुछ स्पेशल सेंटेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं जो नॉर्मली नहीं होते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट बाद में आता है और फिर प्रेडिकेट आता है। फॉर एग्जांपल, हेयर कम्स दी बस, तो इसके अंदर मेन जो कैरेक्टर है वो कौन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बस, तो ये द बस जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और ये सेंटेंस के एंड में आ रहा है ना, हेयर कम्स दी बस, कम्स मतलब कि हमारा प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि एक्शन क्या किया है, आ रही है, हेयर कम्स दी बस, सो द बस इज द सब्जेक्ट एंड कम्स इज बेसिकली द प्रेडिकेट, ठीक है। अब और चीजें देखते हैं आगे सेशन के अंदर, है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अगर आपने सेशन पहले वाला लिया होगा सेंटेंसेस के ऊपर, सो यू वुड बी नोइंग कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम कोई भी कमांड देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी पर्सन से,
ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता, देर इज नो सब्जेक्ट, और बेसिकली हम किसी को उसमें स्पेसिफिकली बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो जनरली हम समझ लेते हैं कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस जो है, या वो जो कमांड जो दी गई है, या जो रिक्वेस्ट हमसे की गई है, वो यहाँ पे हमसे की गई है। तो यहाँ पे कमांड और रिक्वेस्ट के अंदर हम सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखते या नहीं बोलते, हम डायरेक्ट उसको बोल देते हैं। वो अपने आप समझ में आ जाता है कि वो जो भी कमांड दिया गया है या जो भी रिक्वेस्ट की गई है, वो हमसे की गई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से सिट डाउन, ओके, आई सेड सिट डाउन, तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी यू सिट डाउन। इट्स वेरी जनरल, बहुत जनरल है कि हमें समझ में आ जाता है कि ये जो कमांड दिया गया है कि सिट डाउन इज बेसिकली फॉर मी, द पर्सन इज आस्किंग मी टू सिट डाउन। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जिसमें कमांड दी जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट जो है नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्ट कमांड रिक्वेस्ट दी जाती है, आपको पर्टिकुलरली ऐसे बोला नहीं जाता कि यू सिट डाउन, इट्स लाइक सिट डाउन, ओके, और प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज यू यू प्लीज क्लोज द डोर इज नॉट द सेंटेंस, दे विल से प्लीज क्लोज द डोर और सिट डाउन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, इसमें सब्जेक्ट हमारा नहीं इंक्लूड किया जाता इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, सो लेट्स मूव टू आर सेकेंड नेक्स्ट स्लाइड, विच इज कि अब हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब हमारे पास पहला सेंटेंस आता है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगी एक्सरसाइज देने से पहले, तो है सुनीता विलियम्स इज एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है सुनीता विलियम्स इज एन एस्ट्रोनॉट। मेन कैरेक्टर कौन है जिसके बारे में बात कही गई है, वो है सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स दिस पर्टिकुलर थिंग इज द सब्जेक्ट, सुनीता विलियम्स इज एन एस्ट्रोनॉट, और इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, इज एन एस्ट्रोनॉट, तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या आ जाएगा, प्रेडिकेट, इट विल बी कॉल्ड प्रेडिकेट। सेकेंड सेंटेंस, सोनी वॉज निटिंग अ स्वेटर। ठीक है, यहाँ पे स्वेटर बुना जा रहा है, तो हु वॉज निटिंग द स्वेटर, सोनी, सोनी इज द सब्जेक्ट एंड वॉज निटिंग अ स्वेटर इज द प्रेडिकेट। जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है सोनी के बारे में, वो हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है द ब्यूटिफुल रेनबो सून फेडेड अवे, किसके बारे में बात कही है गई है, मेन एलिमेंट कौन है, द ब्यूटिफुल रेनबो, तो द ब्यूटिफुल रेनबो वुड बी द सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, मेन एलिमेंट है हमारे सेंटेंस का, और कहाँ का हम इसके बारे में कहा क्या है, सून फेडेड अवे, बेसिकली फेड हो गया बहुत जल्दी, सो ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स टू फॉर बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज ओके। द बिजनेस मैन मेड अ ह्यूज प्रॉफिट, जो बिजनेस मैन है, मैन है, उसने बहुत सारा प्रॉफिट बना लिया। ठीक है, तो द बिजनेस मैन मेन एलिमेंट है हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सेंटेंस के बारे में, जिसके बारे में बात चल रही है वो है बिजनेस मैन, तो बिजनेस मैन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, एंड मेड अ ह्यूज प्रॉफिट इज द प्रेडिकेट, उसके बारे में क्या, उसने क्या किया, उसने प्रॉफिट बनाया बहुत सारा, तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। फिर आता है एक और एग्जाम्पल, द पुलिस इंस्पेक्टर वॉज नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, मेन एलिमेंट कौन है, कौन ऑनेस्ट नहीं है, कौन सच्चा इंसान नहीं है, द पुलिस इंस्पेक्टर, सो द पुलिस इंस्पेक्टर वॉज नॉट ऑनेस्ट, सो द पुलिस इंस्पेक्टर इज द सब्जेक्ट जिसके बारे में बताया जा रहा है, वॉज नॉट ऑनेस्ट मतलब कि प्रेडिकेट, जो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर आता है एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879, मेन एलिमेंट कौन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन हमारा सब्जेक्ट हो गया।
फिर हमारा जो आगे का हिस्सा होता है वो है वाज बोर्न ऑन 14th, यहाँ पे टी एच आएगा, टी एच. सो वाज बोर्न ऑन 14th मार्च 1879, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. तो वाज बोर्न ऑन 14th मार्च 1879 इज द प्रेडिकेट. ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स थे. आई होप अब आपको बेटर क्लैरिटी मिल गई होगी. सो लेट मी गिव यू सम एक्सरसाइज. सो हेयर आर सम सेंटेंसेस जो कि आपको बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है इन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. ठीक है, ये कुछ हमारे पास 10 सेंटेंसेस हैं और ये इंग्लिश ग्रामर डॉट ऑर्गेनाइजेशन साइट से, ये एक तरीके से आपके पास एक ऑनलाइन टेस्ट भी है. सो यू कैन एक्सेस द ऑनलाइन टेस्ट ऑल्सो फ्रॉम देयर. ओके, तो आंसर की इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. यू कैन चेक योर आंसर्स ओवर देयर एंड यू कैन प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर टेस्ट. और आपके पास जो भी ग्रामर की बुक होगी आप उसमें से भी इस पर्टिकुलर सेशन को, बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे कि आपका ये जो टॉपिक है ये साथ के साथ, बेसिकली टाइम के साथ ही आज आपने पढ़ा है तो आज ही वो स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ द एक्सरसाइज यू नीड टू डू सो दैट फॉर बेसिकली योर सॉलिडिफाइंग द कॉन्सेप्ट्स. एंड दैट्स इट. थैंक्स अ लॉट गाइस. एंड इफ यू फाइंड द सेशन हेल्पफुल डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड यू कैन हिट ओवर हेयर विद द बटन्स एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस द प्रीवियस सेशन टू. थैंक्स अ लॉट गाइस. स्टे ट्यून्ड. And do subscribe, like, and share. Don't forget it. Thanks a lot. Bye-bye.